नमस्ते बैठिए विपिन थैंक यू सर विपिन आपने ध्यान दिया होगा कि कोविड संबंधित जो एहतियात बरतने चाहिए जी इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और सुरक्षित रखने के लिए ही आपकी कुर्सी को दूरी पर रखी गई है क्योंकि पर्याप्त दूरी है तो आप चाहें तो मास्क हटा सकते हैं आप अपनी जाति या संप्रदाय का संकेत किए बगैर अपना परिचय दीजिए नाम ले सकता हूँ सर विपिन कुमार शनाब श्री सुरेश कुमार मैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड से किया हूँ स्नातक और परास्नातक कानपुर यूनिवर्सिटी से है मेरा और मैं इस इसके पहले सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में था और अभी मेरा चयन बी में हुआ है जो मैं इस समय हाथरस में कार्यरत हूँ अध्यापक कितने वर्षों से हैं सर पाँच महीने हुए थे पाँच ही महीने हुए जी मतलब दो में ज्वाइन किया जी सर उन्नीस में उन्नीस में वैकेंसी थी बीस में ज्वाइन किए थे सर अच्छा बीस में ज्वाइन किया तो अध्यापक के रूप में काम करने का अवसर मिला सर जी पाँच महीने का आ, पर स्नातक किस विषय में है हिंदी साहित्य सर हिंदी साहित्य में ही है जी और आप खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में ज्वाइन कर चुके हैं जी जी क्या अनुभव है क्या काम करना होता है खंड शिक्षा अधिकारी को सर खंड शिक्षा अधिकारी में सर हम लोगों को सुपरविजन का कार्य होता है और जो शिक्षा के क्षेत्र में जो वहाँ पर जैसे कि आपका कायाकल्प मिशन कायाकल्प के तहत जो चौदह पैरामीटर्स हैं इस समय सर उस पर काम चल रहा है जैसे स्कूल का रख रखाव कैसा है स्कूल का भौतिक वातावरण में जैसे कि वहाँ पर हैंडपम्प की हैंडपम्प है समर्सीबल है रनिंग वाटर है आपका स्कूल का भवन का बाउंड्री वाल है और जैसे दिव्यांग शौचालय बालिका शौचालय बालक शौचालय इन सब का सर सुपर देखना पड़ता है और इन, इनका जो कार्य होते हैं वो हमारे माध्यम से ही किए जाते हैं सर तो भौतिक बुनियादी ढांचा तो देख लेते हैं लेकिन जो गुणवत्ता है जो पढ़ाई का माहौल है उसकी भी जांच करते हैं जी जी सर उसके तहत इस समय सर जो हमारे मिशन प्रेरणा ऐप के तहत उसमें आधारशिला और क्या कहते हैं उसमें प्रेरणा ऐप तथा तो तो आधारशिला और एक सर मुझे याद नहीं आ रहा है इसके तहत सर जो बच्चों उनको जो अध्यापक हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए और उनको कैसे स्कूल पर बना बनाए रखा जाए जिससे कि क्या देखा जाता है कि बच्चों की संख्याएं एडमिशन में तो ज़्यादा होती हैं पर मूल रूप से कम देखी जाती हैं जिससे बच्चों में अरुचि भी देखी जा रही है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो उसको ट्रेनिंग के माध्यम से अध्यापकों को ये बताया जा बताया जा रहा है कि आप कैसे उनका पढ़ाएं कि उन्हें रुचि पैदा हो और वो आगे बढ़े कहा हाथरस में हूँ हाथरस में हैं जी हाथरस जाना जाता है काका हाथरसी की वजह से भी जी और आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं सुना है काका हाथरसी किस संदर्भ में सुना है आपने सर ये व्यंग लेखक थे अच्छा जी याद है कोई व्यंग उनका नहीं सर सॉरी सर एक और काका थे काका कालेलकर काका कालेलकर जी सर नाम सुना है जी सर उनका नाम किस संदर्भ में सुना है सर सॉरी सर अच्छा कौशाम्बी के आप रहने वाले हैं जी कौशाम्बी के बारे में बताइए कुछ सर कौसी इलाहाबाद से ये प्रयागराज से कटकर 2007 में सर उन्नीस में सर कौसाम्बी बनाया गया था वहाँ पर जैन और बौद्ध धर्म दोनों के जन वो स्थली है जहाँ पर दोनों संप्रदाय का वहाँ पर मान्यता प्राप्त है और साथ में प्रभाषगी पर्वत जहाँ पर जैन संप्रदाय से संबंधित है और वहाँ पर शीतला धाम है जो क्या कहते हैं देवी पार्वती से संबंधित है और सर वहाँ पर गंगा और यमुना दोनों के बीच में है सरवाया दाबा क्षेत्र कहा जाता है सर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कौरवों के जो वंशज थे हस्तिनापुर के बाढ़ में डूबने के बाद कौसामी में आके बस गए थे पांडव वंशज या कौरव वंशज जो थे ऐसा नहीं है उनकी याद में कुछ भी नहीं रखा है कौसामी में नहीं सर मुझे अच्छा आपको भी नहीं याद हो वहाँ के लोगों को भी नहीं याद होगा नहीं सर वहाँ के लोगों के लिए तो मैं अच्छा ये बताएँ कि ये जो संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है इसका कोई लाभ मिल रहा है ये खामा खा खाली उल्लेख किया हुआ है क्या देश के लोगों में कर्तव्य बोध में सुधार हो रहा है कुछ जी सर सर मूल कर्तव्य जो हमारे संविधान लोग तो कह रहे हैं कि भारत के समाज भीड़ तंत्र में बदलता जा रहा है नहीं सर भीड़ तंत्र में बदलता जा रहा है पर यह नहीं कहा जा सकता कि जो हमारे संविधान में उल्लिखित हैं उन, उनका कोई प्रभाव समाज पर नहीं है जैसे कुछ वर्ग हो सकता है कि कहीं ना कहीं भीड़ भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो रहा है पर एक समाज वो भी है कि जो इसका पालन अच्छा सा कर रहा है एक मूल कर्तव्य है कि पर्यावरण की कई इज्जत करनी है जी जी कहाँ इज्जत हो रही है शहरों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है ध्वनि प्रदूषण वायु प्रदूषण जल प्रदूषण आपको लग रहा है कि नहीं सर सरकार की नीतियाँ भी वैसी हैं सरकार बेतहाशा वाहनों के उत्पादन को अनुमति क्यों दे रही है सर वाहनों के उत्पादन की अनुमति तो सर मैं नहीं बता सकता पर सर मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ पर हम पर्यावरण की तरफ जागरूक भी हैं और पर्यावरण का ध्यान भी दे रहे हैं ये हो सकता है सर की पर इस समय वाहनों की अधिकता होने के कारण सर पर्यावरण तो, ये तो सरकार की मर्जी सर. से सरकार के बिना परमिशन के तो वाहन बन नहीं सकते जी सर सरकार अनुमति दे रही तभी तो इतने वाहन बन रहे हैं बनेंगे तो कहीं ना कहीं यूज होंगे यूज होंगे तो प्रदूषण होगा सर वाहनों के बनने का एक कारण ये भी है कि सर आज के भागदौड़ की दुनिया में हमें समय से ऑफिस पहुंचने में या तो क्या कहते हैं जैसे कोई भी परिवहन का ही है तो परिवहन सही तरीके से हम समय से पहुंच सकें इसके लिए सर निजी वाहन और प्राइवेट वाहन चलाए जा रहे हैं सर पर इसमें जहां पर्यावरण की बात है सरकार इस तरफ भी बहुत ध्यान दे रही है और पर्यावरण संबंधित नियम भी उन्होंने बनाया है और उस नियम के तहत ये ध्यान दिया जा रहा है कि जैसे पेड़ पौधे लगाना सड़क के किनारे सड़क के किनारों पर वैसे जो बंजर भूमि है उस पर ऐसे पेड़ लगाने के भी कार्य किए जा रहे हैं अभी ठीक है विपिन विपिन जी जी सर आपने क्या बताया कहा से हैं आप कौशाम्बी सर में कौशाम्बी कहाँ पर आप कार्यरत हैं इस समय सर मैं हाथरस में हूँ हाथरस में, हाथ में। मान लीजिए तो कि, कि आप यहाँ से हाथरस जाते हैं कौशाम्बी से तो वर्षा की मात्रा औसत वार्षिक वर्षा घटती है बढ़ती सर उधर वार्षिक वर्षा अधिक होती है सर हाथरस में हाथरस मथुरा सर क्षेत्र जो है उधर तो वर्षा अधिक होती है जी जबकि मथुरा वह जिला है जहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है सोनी सर तो मुझे याद तो कैसे आप तो एकदम उल्टा बता दिए सॉरी सर अच्छा कोई बात नहीं तो इसका मतलब कि ये तो बेसिक बात है जी, जी कि उत्तर प्रदेश में आप पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो वर्षा की मात्रा औसतन कम होती है ठीक है अच्छा मान लीजिए आप हिमालयी क्षेत्र से आप विंध्यन की तरफ आते हैं तब क्या होगा सर वर्षा की मात्रा बढ़ेगी बढ़ेगी <laughs> फिर आपने ठीक उल्टा बताया अच्छा ठीक है आ, अभी आप क्या है? आ, बेसिक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं बीईओ है ना तो ये बताइए कि जो नई शिक्षा नीति आई है जी इसमें क्या प्रावधान है सर नई शिक्षा नीति के तहत तो फाइव फोर थ्री थ्री सही है गलत बता रहे हैं आप फिर से याद करिए टेन प्लस टू की जगह पे क्या हो गया है सर वो टेन प्लस टू की जगह तो सर मुझे इस चीज़ का तो सर बताओगे सर बोलिए बोलिए फिर से बोलिए फाइव प्लस फाइव थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री अब सही अच्छा ठीक है तो फाइव क्या है मतलब आपके कार्य क्षेत्र से है इसमें तो कोई किया नहीं, नहीं जा सकता जो शुरू के तीन वर्ष हैं वो बच्चे के एक आधार के रूप में है और एक कक्षा एक और कक्षा दो ये सर फाइव हो, हो गया जी। फिर अगला फिर कक्षा तीन से कक्षा पांच तक ये आपका थ्री हो गया अंतिम वाला चार क्या है अंतिम वाला सर एट्स नाइन से ट्वेल्व ठीक है और इसके अलावा बस यही चेंज किया है कुछ और भी किया है और सर इससे संबंधित नवोचार चार की बात की है जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने की बात की गई ढाई परसेंट है मुझे मालूम नहीं सर अच्छा ठीक है चलिए बताइए कि बजट का प्रावधान बजट के बारे में भारत के संविधान में कहाँ पर जिक्र है बजट शब्द आया है कहीं सर बजट शब्द नहीं है सर श्योर श्योर सर ठीक है तो बजट के बारे में कहाँ है अनुच्छेद अनुदो क्या कहता है क्या है क्या वर्ड यूज हुआ है बजट की जगह पे कुछ तो शब्द है, है? नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक तो बजट में फिजिकल डेफिसिट आता है रेवेन्यू डेफिसिट आता है और एक और है आपका प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा क्या है तीनों में अंतर अच्छा के शेप्ड रिकवरी आजकल बड़ा चर्चा में है कोविड के बाद Shaped recovery हो रही है हमारी अर्थव्यवस्था की के शेप्ड हो रही है saved, मतलब तो सर ये है कि जैसे एक, एक नीचे गिरना और तुरंत ऊपर और उठना तो सर के क्या है सॉरी सर मुझे अच्छा ठीक है आप का वैकल्पिक विषय क्या है सर हिंदी, हिंदी साहित्य हिंदी साहित है हिंदी साहित्य में पचास के दशक में एक नकेनवाद की चर्चा होती है क्या है किन तीन साहित्यकारों के नाम पे है सर नलिन विलोचन शर्मा जी केस केसरी कुमार जी हैं और एक कोई बात नहीं चलिए अच्छा ये बताइए उत्तर प्रदेश में भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश हिंदी भारत भारतीय भारत भारती। किसको मिला है अभी हाल में विश्वनाथ जी जानकारी है कि नहीं नहीं सॉरी सर ठीक है सर विपिन जी जी ये बताइए कि भारत और नेपाल में विवाद के कौन कौन से मुद्दे हैं हाँ सर भारत और नेपाल के मध्य तीन स्थानों को लेकर विवाद है जिसमें काला पानी है लिंपिया दुरा है और काला पानी लिंपिया दुरा और एक और है सर तीन स्थान है जिनको लेकर के विवाद है जिससे उन्होंने अपने नक्शे पर उसको कर लिया है कि उन्होंने कहा कि हमारा क्षेत्र है और इस वजह से वहाँ पर किसने भार... कह दिया है? भारत ने भारत नेपाल ने, 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 ने सर ने इसमें एक सुगौल या सगौली की संधि बहुत फेमस है क्या है ये कब हुआ सुगौली की संधि सर जो मुझे रिमाइंड हो रहा है अठारह सौ अठारह की है उनमें है अठारह सौ सो उन्नीस सोलह होगा वो अठारह सौ सो सोलह चलिए बताइए ओपन स्काई एग्रीमेंट के बारे में सुना आपने सर याद नहीं सर चलिए कोई बात ये नहीं ये बताइए कि भारत में देखा जाए तो कोविड के बाद या दौरान भी उससे पहले भी बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रहा है जी। सरकार क्यों नहीं बेरोजगारी के फ्रंट में सफल हो पा रही है बेरोजगारी को कम करने में मैंने पहले तो कहा जाता था कि रोजगार विहीन समृद्धि है है ना कुछ दशक हमारा रोजगार समझते जी, हैं ना जी, रोजगार क्या जी, होता है रोजगार विहीन जो समृद्धि ये है कि वहां पर रोजगार तो हमारे उसमें वृद्धि तो हुई उत्पादन में, में? और हमारे वो बढ़े क्या कहते हैं आपके जैसे कि मैं रोजगार रोजगार, रोजगार रोजगार बढ़ पर उसके हिसाब से जैसे तकनीकी तकनीक के कारण हमारे रोजगार में वृद्धि नहीं चल तो उत्पादन भी कम हुआ है जीडीपी ग्रोथ रेट भी निगेटिव हो गया है तो अब तो रोजगार भी समृद्धि की स्थिति नहीं है फिर भी हमारे देश में बेरोजगारी की दर इतनी तेजी से बढ़ रही है क्या कारण आपको लग रहा है सर उसके कारण एक हमारे पास अवसंरचना का भी अभाव है सर और जी और साथ में ये है कि उसे जो जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो कहीं ना कहीं रोज़गार की तरफ ना होकर के एक सैद्धांतिक तरीके से चल रही है इसका एक कारण ये भी है जिससे जो हमारे युवा वर्ग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं रोजगार युक्त शिक्षा नहीं पा रहे हैं इस वजह से एक समस्याएँ हो रही हैं और एक समस्या सर देखा जाए तो हमारे यहाँ अभी उद्योग धंधों का अभाव पाया जाता है उतने अच्छा वो नहीं है कि हम लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार पा सके बताइए जैसे आपने अवसंरचना की बात की आधारभूत संरचना तो आधारभूत संरचना के विकास के लिए इस बार केंद्रीय बजट में सरकार ने क्या प्रावधान किया सर मैंने देखा नहीं सर सॉरी सर चलिए आपने उद्योगों की बात की तो अभी हाल ही में सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा को बदला है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को जानते होंगे मेरे ख्याल से तो सर मैं जानता हूँ पढ़ाऊँ अच्छा क्यों ये परिभाषा क्यों बदला है सरकार ने इससे क्या लाभ होगा पहले भी तो ठीक था सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग की परिभाषा जानते थे ना किस आधार पर और किस आधार पर चेंज हुआ है सर मैं पढ़ा था सर मैं इस समय तो क्या माने क्यों किया गया परिभाषा से क्या लाभ होगा इन एमएसएमई इंडस्ट्रीज को सर, मुझे रिमाइंड नहीं हुआ चलिए बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रदेश में कौशल विकास को बढ़ाने के लिए और रोजगार को बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चला रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार पाँच योजनाओं के नाम फटाफट मुझे बता दीजिए कोई बात नहीं अच्छा ये स्वयं प्रभा चैनल क्या है सर ये शिक्षा के से संबंधित है क्या है तब सर ये ट्रेनिंग और जो मतलब कि चलिए मेरे एक लास्ट सवाल आपसे कि अभी हाल ही में सुना होगा आपने कि स्वेज नहर में एक जहाज़ फंस गया था जी ठीक है कौन सा जहाज था जहाज का कोई नाम वाम था नाम था क्या नहीं हो रहा अच्छा ये स्वेज नहर कौन से दो सागर को मिलाती है माने जो है स्वेज नहर वहाँ काम करती है दो सागरों को मिलाने के लाल सागर और काला सागर काला सागर श्योर नहीं सर सर नहीं है सर फिर उस पर आप हंस रहे हैं सॉरी सर चलिए बात विपिन अगर आपको विकल्प दिया जाए कि आप यूपी प्रशासनिक सेवा में आएंगे कि यूपी पुलिस सेवा में आएंगे तो आप किसे पहली बार देंगे? सर मैं यूपी प्रशासनिक सेवा में आना चाहता हूँ पुलिस सेवा को दूसरे पर्यटन पर रखने के पीछे क्या सोच हो सकती है सर इस बार तो पहले तो है ही नहीं सर इस बार पोस्ट नहीं है पर यह है कि मैं चाहता तो मैं सर दूसरे नंबर भी रखता यहाँ पर पोस्ट भी होती क्योंकि सर प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता हूँ पुलिस सेवा भी सर दूसरे नंबर पर दूसरी वरीयता होती है और प्रशासनिक सेवा सर क्षेत्र विस्तृत होता है और क्षेत्र विस्तृत होने के साथ साथ सर वहाँ पर काफ़ी संभावनाएं है होती हैं और उधर मेरा जो एक रुचि है वो भी है मैंने सर, ये नहीं पूछा कि पहली वरीयता क्यों दें मैंने पूछा कि पुलिस सेवा को दूसरी वरीयता पे क्यों देखते हैं आप उसमें क्या कमी नज़र आती है सर जहाँ तक मेरा है कि मैं दूसरी वरीता पे इसलिए देखता हूँ कि सर दूसरी वरीता पे सर देखते नहीं है सर पर दूसरी वरीता पे मैं अपन रखता हूँ सर कि क्योंकि सर वहाँ पर ये है कि जैसे कि हम पुलिस सेवा में की अपेक्षा यहाँ पर मुझे सर ज़्यादा संभावनाएं दिखती हैं प्रशासनिक सेवा में अच्छा पुलिस सेवा में क्या क्या कमियाँ हैं मैं ये भी जानना चाह रहा था कमियाँ तो सर उसमें जैसे पुलिस सेवा में एक तो इन लोगों का जो रहने की व्यवस्था सर जो पुलिस में यहाँ तो डिप्टी एस तो ठीक है सर पर जो नीचे के जो हैं वो सर वहाँ पर रहने की खाने की उनके जो एक समय के घंटे हैं सर वो काफ़ी अधिक होते हैं चौबीस चौबीस घंटे हो सकता है कभी कभी काम करने पड़ते हैं तो इस वजह से उनके अंदर तनाव की स्थिति भी आती है और पारिवारिक विघटन भी एक सरकार बनता है वहाँ पर और नहीं सही कहा आपने ये सब चुनौतियाँ हैं पुलिस सेवा में जी और क्या दिक्कतें हैं उसमें सॉरी सर और सब ठीक है क्या आपको लगता है वेतन भत्ते उनके सही जितना मेहनत वो करते हैं क्या उसके अनुपात में वेतन भत्ता उनको मिल जाता है या कम है सर पुलिस विभाग में तो सर कम है इधर सर जब जैसे ही डिप्टी एस तो सर ठीक है चौवन सौ ग्रेड पे है और इधर जो आपके पुलिस हैं जो साधारण कांस्टेबल हैं उनके सत्ता कम है अच्छा अगर आप यूपी के मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे तो आप तीन कौन कौन से कदम उठाएंगे सामान्य प्रशासन में सुधार करने के लिए जी सर मैं एक तो शिक्षा के क्षेत्र में उठाऊंगा शिक्षा के क्षेत्र में सर ये है कि जो बच्चे हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय में आते हैं उनमें जो एक मानक तय है कि तीस बच्चों के के उसमें एक अध्यापक होना चाहिए सर वो एक मानक और जैसे कि आप डेढ़ सौ बच्चे जिस प्राथमिक विद्यालय में वहाँ पर तो ठीक है मानक पर जहाँ पर तीस ही बच्चे साठ बच्चे आते हैं वहाँ पर दो अध्यापक वो सही से जहाँ पर एजुकेशन है वो बच्चों को दे नहीं पाते हैं क्योंकि वो सारे पाँच क्लास एक से पाँच तक के बच्चों को वो पढ़ा ही नहीं पाते हैं और एक जो जहाँ पर एक अध्यापक होते हैं जैसे जहाँ पर छात्रों की संख्या कम है वहाँ पर एक अध्यापक होने की वजह से उन्हें अनेक समस्याएँ झेलनी ये पड़ती हैं कि वहाँ पर जैसे छुट्टी में चले जाए छुट्टी लेना चाहते हैं या छुट्टी में जाना चाहते हैं या ऐसी कोई समस्याएँ हैं तो वहाँ पर सर बड़ी समस्याएँ खड़ी होती हैं तो इसमें एक ये है कि मैं जो छोटे छोटे स्कूल हैं ठीक है शिक्षा में सुधार करेंगे जी, लेकिन जी. पूरा समय मुख्यमंत्री खाली शिक्षा में लगाएंगे तो नहीं नहीं सर चलेगा कैसे नहीं नहीं सर और दूसरा कृषि क्षेत्र में सुधार है जो किसानों का ये आपका जो रेट दे रही है सरकार एम का रेट है और इसको सर थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि किसानों को अन्य सुविधाएं जैसे उर्वरक है और सिंचाई व्यवस्था है इन सब पर सर उनको सुधार किया जाए तो उनका जो पैदावार है वो वो थोड़ा सा बढ़ सके सर ठीक है दो और क्या करेंगे एक सर यदि मैं देखता हूँ तो सर ये आप देखेंगे तो परिवहन सुविधाएँ परिवहन सुविधाओं के तहत ये है कि परिवहन सुविधाओं को और अच्छा किया जाए जैसे आज अभी ये पर्यावरण प्रदूषण की समस्या ही है तो यहाँ पर प्राइवेट वाहनों को ज़्यादा वरीता दी जाए और क्या कहते हैं जो आप निजी वाहन हैं इनको कम किया जाए इसके लिए मेट्रो रेल की व्यवस्था ये ठीक है मतलब कानून व्यवस्था की स्थिति को लचर बनाए रखेंगे प्रशासन में जो भ्रष्टाचार फैला है उसके प्रति नज़र बंद रखेंगे ये सब आपकी नज़र में कोई बड़ी समस्या नहीं है सर खैर सुधार तो अभी तक तो ध्यान गया नहीं तीन चार बिंदु में अभी तक नहीं गया बस चलाना तो प्राइवेट वालों का काम बस तो कोई भी चला सकता है लेकिन कुछ काम है जो सिर्फ प्रशासन ही कर सकता है जी ठीक है विपिन आपसे बातचीत करके अच्छा लगा आपका इंटरव्यू पूरा हो गया जा सकता थैंक यू सर आइए विपिन बैठिए हैंड राइटिंग आपकी सुंदर है मास्क उतार लीजिए कैसी लग रही तैयारी सर तैयारी तो ठीक नहीं लग रही है इसलिए कि सर मैं कुछ भी रिवीजन नहीं कर पाया अभी मैं कल सर वहाँ से आया हूँ और इस बीच दो ढाई से तीन महीने जो जनवरी से के बाद से सर मैंने काफ़ी उठाई तक नहीं है और इस वजह से सर सर ने जो पूछा और सर ने भी एम एस एम ई के जो ये सब सारी चीज़ें पढ़ी थी पर सर मुझे याद नहीं आ रहा है कोई नहीं देखिए पीटी और मेंस में आपके ज्ञान की परत का परीक्षण तो हो ही गया है अब आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि आप जब बोर्ड के सामने जाएं तो अपने व्यक्तित्व को सुडौल और सौष्ठव के साथ प्रस्तुत करें ठीक है वो आप कमो ठीक दिख रहे हैं जी उसमें कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं दिख रहा है जी हाँ बस ये है कि फैक्ट वगैरह कुछ कुछ आपको ध्यान नहीं है जी। कहीं कहीं आपके दिमाग में शायद मतलब ये बात बैठी हुई है कि क्षमा याचना करना या ये कहना कि मुझे नहीं आता ये बड़ा ख़राब है जी तो इंटरव्यू स्तर पर ये नहीं मानना पीटी में हो सकता है ख़राब हो कि भाई आपको सौ सवाल दिए गए हैं आप कम से कम मान लीजिए इतने सवाल नहीं करेंगे तो बेकार हो जाएगा जी लेकिन इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि आपसे बीस सवाल पूछे गए तो उसमें कम से कम दस का सही जवाब देना जरूरी है एकदम ज़रूरी नहीं है आपको अपने व्यक्तित्व की एक अच्छी छाप छोड़नी है इंटरव्यू में और उसके लिए सवाल का जवाब देना उतना जरूरी नहीं है जितना कि न, मतलब सही जवाब देना उतना जरूरी नहीं जितना कि कैसे आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जी तथ्यगत रूप से उत्तर जाए जरूरी है तथ्य न रहते हुए भी आप अपने आप को कैसे कई कै, कई कै, कै बार जिंदगी में ऐसा होगा कि आपके पास संसाधन नहीं है अवसर नहीं है फिर भी आप अपने व्यक्तित्व में सकारात्मकता बनाए रखते हैं जी तो वो सकारात्मकता आपके अंदर दिखनी चाहिए उत्तर तो खैर कमो तैयार कर लेंगे वक्त मिलेगा तो तैयार हो जाएगा तीन दिन का वक्त है तो जा काफ़ी कुछ आप कर सकते हैं जी लेकिन कुल ला आपने अपने आप को ठीक ढंग से प्रस्तुत किया थोड़े बहुत सुधार की जहां जहाँ जरूरत नजर आ रही है थोड़ा सा वीडियो दो बार अपना देखिएगा रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी जी तो देखिएगा जी आपकी भाषा में प्रवाह तो है लेकिन भाषा में कुछ तकिया कलाम शब्द बार बार आ रहे हैं सर हो सकता है वो आदतन आ जाता है तो अब आदतन है तो बहुत रातों रात उसमें सुधार भी नहीं हो पाता नहीं सर थोड़ा ध्यान देंगे लेकिन थोड़ा सा सचेत रहिएगा तो कम मात्र कम बार आएगा तो उससे थोड़ा सा आपका फ्लो और अच्छा दिखेगा जी और अच्छी चीज़ें बहुत सारी हैं अच्छी चीज़ें आपका प्रवेश अच्छा है बस ये है कि अभिवादन आपने किया अभिवादन को थोड़ा और गला साफ करके जी स्पष्ट ध्वनि में वहाँ सदस्य जब बोर्ड में जाइएगा तो उससे आपकी अच्छी छाप पड़ेगी एकदम स्पष्ट ध्वनि में तो चुस्ती के साथ प्रवेश करिएगा चुस्ती मतलब हवड़ा के नहीं जाइएगा जी जी लेकिन एकदम शिथिल भी नहीं होना चाहिए तो चुस्ती के साथ प्रवेश करिए अनुमति मांगिए अंदर आने का अभिवादन करिए अध्यक्ष को महिला सदस्य जो होंगी अगर पहले देख लीजिएगा पहले उनकी तरफ मुखातिब होकर फिर जो अध्यक्ष हैं उनको मुखातिब होकर और व्यक्तिगत रूप से सबको देखते हुए अभिवादन करना है और अनुमति मिलने पर बैठना है बैठने के बाद धन्यवाद जरूर करना है तो ये शिष्टाचार संबंधित जो आरंभिक चीज़ें हैं ये पूरी करने के बाद अलर्ट रहना है लेकिन चेहरे पे तनाव नहीं रखने जी वो ठीक है आपका चेहरा तनावग्रस्त नहीं है अच्छे दिख रहे हैं बैठने की भंगिमा ठीक है जी थोड़ा सा शरीर और टाइट रखेंगे तो और अच्छा रहेगा पैर का पोजीशन ठीक है ज़्यादा फैलाव वगैरह नहीं है वो अच्छा है जी चेहरे का भाव भी आपका सही है पॉजिटिव है कहीं कहीं लग रहा है कि थोड़ा सा जल्दीबाजी में बोल जा रहे हैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज इस वजह से है कि मैं पढ़ नहीं पाया तो इस वजह से थोड़ी सी समस्याएं सर आ रही हैं मेरे साथ कोई बात नहीं वो उसको लेकर मतलब मैं कह रहा हूँ कि कहीं कहीं जल्दीबाजी में बोल जा रहे हैं तो उससे बचने का उपाय है कि जब कभी लगे कि इस प्रश्न का जवाब मुझे एकदम से सही नहीं पता है तो दो तीन सेकंड खुद सोचिए कि इसमें कौन सा एक बात या दो बात मैं बोलूं, जी ताकि वो असरदार हो जाए तो थोड़ा ठहराव शिथिलता नहीं थोड़ा ठहराव आ जाएगा तो अभिव्यक्ति और असरदार हो जाएगी सर उसके बाद भी ना आए तो सॉरी <laughs> तो बोल ही सकता हूँ हाँ ना आए तो तुम सॉरी बोलना मैं वही कह रहा हूँ कि सॉरी बोलना बहुत ज़रूरी है गलत नहीं बोलना जी गलत तथ्य एकदम नहीं बताना है उसे निगेटिव में मिलते हैं उससे अच्छा सॉरी बोलते हैं जी ठीक है चलिए ऑल द बेस्ट थैंक यू सर थैंक यू सर